चेलाधीश। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 28 जनवरी शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला ये टैरो, सेकंड इज ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड थर्ड है वो है फेरी टेल ओरेकल। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं हम टैरो के साथ शफलिंग, इन दोनों को रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में एंड चलो करते हैं टैरो से शफलिंग। भाई हमें चाहिए प्योर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिस्टल क्लियर यू नो अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह का वक्त है सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलती है। तो चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इतने सारे लूंगा। पहला जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है द टावर। थर्ड जो कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिफ्थ जो कार्ड है वो है द स्टार। ठीक है, सिक्स जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन जो कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स एंड फिफ्थ जो कार्ड है एट जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर हम बात करते हैं साइंस की, देखो भाई ये डायरेक्टली आठ कार्ड्स आ गए हैं तो इसलिए मैंने जैसे वो कार्ड्स हैं मैंने वैसे लिए। अगर हम इन कार्ड्स के बारे में पता करते हैं तो देखो यहाँ पे जो साइंस है वो है पेंटाकल्स, ठीक है, फिर है स्वॉर्ड्स एंड कप्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज छोड़ के बाकी सभी साइंस यहाँ पे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना के तो तीन महत्वपूर्ण कार्ड्स यहाँ पे हैं। पहला है द टावर, सेकेंड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड है स्टार। ये रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस, लेकिन तीनों जो मेजर अरकाना है वो सभी राशियों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यस इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी साइंस। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई जो पहला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कार्ड डिनोट करता है उनके हार्ड वर्क को। ठीक है, या तो ये पर्सन जो अगर इनके शिफ्ट जो है वो सिर्फ 5 दिन की है तो इनका जो फोकस है वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है। किसी किसी के लिए आजकल ऑनलाइन गेमिंग भी एक यू नो प्लेटफॉर्म बन चुका है तो वो भी उनके लिए यू नो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यू कुड फाइंड कि भाई ये पर्सन ज़्यादा अभी गेमिंग में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो यहाँ पे हमें उनकी यू नो हार्ड वर्किंग दिखती है, यू नो टेंडेंसी कि भाई मुझे मेहनत करनी है। तो बेसिकली अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये पर्सन जेन्युइनली मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। फिर चाहे उसका काम ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे उसका काम ऑफिस हो, यू नो 9 to 5 या फिर जितना भी टाइम हो, मंडे टू सैटरडे हो, मंडे टू फ्राइडे हो, या फिर यू नो वीक में से कोई भी 5 या 6 दिन, तो ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग है जो यहाँ पे अनडाउटेडली हमें दिख रहा है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है द टावर। अगर मैं इस कार्ड की बात करें तो टावर का मतलब ये है कहीं ना कहीं पे कि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को क्लीन करनी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका कनेक्शन नहीं आता, ये शायद उनकी निजी जिंदगी की कोई मैस हो सकती है, लाइक किसी फ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हुआ है या फिर कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो वापस मिल नहीं रहे हैं, शेयर मार्केट में जहाँ पे पैसे लगाए थे वो शायद डूब गए हैं, या फिर जिसके ऊपर भरोसा गया था उसने कुछ उल्टा किया। तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली फिर यू नो उस चीज़ से गुजर रहा है। ये इनके लिए बहुत ही अच्छा है ताकि ये कोई नेगेटिव चीज़ करने से बचता है, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड ही इन्वेस्टेड 3 to 4 lakhs विदाउट नोइंग कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। पहले लगा कि भाई पैसे जीत रहा है, फिर डायरेक्टली हार गया, अब नहीं कर रहा बिकॉज अब रिस्क नहीं लेना चाहता, तो एक अच्छी बात हो गई। सिमिलरली यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है अगर उसे पता चलता है कि मेरे ज़िंदगी में मैस किस वजह से हो रही है, कौन है जो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से जो ऐसे परिस्थितियां बनाते हैं या फिर तकलीफ देते हैं ऐसे लोगों से डेफिनेटली दूर रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटेकल्स। यहाँ पे हमें बैलेंस दिखता है, ये पर्सन जो कोशिश कर रहा है कि प्रैक्टिकलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों साथ में आए। यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत एंट्री होती है जहाँ पे वो अपने दिल को सही जगह पे लाना चाहता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये नहीं कि भाई चलो मैं इसे प्रैक्टिकली आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे उसका दिल भी काउंट करता है। तो ये पर्सन जो है वो अपने दिल से कनेक्टेड रहना चाहता है ताकि भाई इसे सही समय पे समझ आए। कई बार जो हमें प्यार करते हैं वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं एंड वही वो चाहते हैं।
फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये कई बार अभी आ रहा है, यू नो आप अगर रीडिंग फॉलो करते तो ये कई बार आ गया है रीडिंग में। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि भाई इस पर्सन की जो किस्मत है वो बदल रही है धीरे धीरे, ठीक है, और हर दिन बहुत नया होता है हर दिन। एंड अब ये कैसे आपको बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी तो कुछ चीज ऐसी देखी होगी कहीं ना कहीं पे, जब आपकी गाड़ी कहीं पे यू नो थोड़ा सा एक्सीडेंटल हुआ होगा, या फिर सडनली आपका कुछ यू नो पैर में स्प्रेन आ गया, पैर में मोच आ गई, या फिर पैर फ्रैक्चर हो गया कहीं पे गिरने से। ये हादसा सिर्फ एक मिनट का था, लेकिन उस मिनट के कारण आपके साल के एक या तीन महीने वेस्ट हो गए, या फिर एक या तीन महीने आपको बेड रेस्ट मिला, राइट। तो ये मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रीडिंग में आती है ना, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो मे बी एक कुछ ऐसा मोमेंट आने वाला है, या फिर पूरा का पूरा जो दिन है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि हाँ इनका जो चक्र है वो चलने वाला है सर्कुलर में। अब अगर ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये आराम से ज़िंदगी जिएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ये डायरेक्टली ज़्यादा स्पिन हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो कोई ऐसा भी मोमेंट आ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं सडनली इनको कोई अच्छी न्यूज़ मिली, या फिर कि भाई कहीं पर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया और जैकपॉट लग गया उनको, या फिर कि भाई कहीं कहीं पे किसी न्यूज़ बताया कि भाई अपनी जगह बेच रहा है, तुम भी जगह खरीदो, उन्होंने जगह खरीदी, पता लग गया दो तीन सालों के बाद बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। तो वह मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस हिसाब से मैंने कहा कि इस पर्सन के लिए मूवमेंट आता है या फिर पूरा दिन बहुत ही सही तरीके से बिता सकते हैं पर्सन, वो इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। बाकी हम बाकी के साइंस भी देख रहे हैं भाई, यहाँ पे जो कार्ड है वो है द स्टार, यहाँ पे हमें उनकी विश नज़र आ रही है, मतलब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये उनकी विश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद अब ये पर्सन अपने दिल के बहुत करीब हैं एंड अपने दिल के हिसाब से ही वो विश मांगना चाहता है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, ये अपने दिल को अब अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आई थिंक यहाँ पे मे बी वो कुछ रोमांस में आ सकता है, या फिर आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे कमिटमेंट पाना, या फिर कमिटमेंट लेके आगे बढ़ना, ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड हुआ है फोर ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक ये पोस्ट रोमांस वाला कार्ड है जो मुझे लग रहा है, ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पोस्ट रोमांस मतलब कि भाई अगर आपको कहीं पे मिलना है, या फिर अगर आप टेक्स्ट मैसेज भी करते हो, थोड़े से रोमांटिक बातें होती हैं, तो उसके बाद वाला जो कार्ड है कि आई एम रिलैक्स्ड, या फिर अगर आपने तय किया आई वांट टू किस समबडी इन लाइकवाइज, तो मोमेंट होने के बाद वाला ये कार्ड हमें यहाँ पे दिखता है। तो कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं दिख रही, बल्कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे पर्सन संतुष्ट है। फोर ऑफ सॉर्ड्स मतलब संतुष्ट है कि मैं कम्युनिकेशन करने के कारण संतुष्ट हूँ, तो यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा हमें नहीं दिख रहा है। हालांकि द टावर में किसी को लग सकता है, और अगर आप ये कार्ड आप पर्सनली ले रहे हो सकता है कि आपके साथ अगर इनकी जंग छिड़ी हुई है, या फिर आपसे कम्युनिकेशन एरर होता है जब आप दोनों बात करें, तो अगर आप बात ना करें कुछ समय तक वो आपके लिए सही हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वैसे कैंसरस्कॉपी और पाइसिस, यहाँ पे आई थिंक रिश्ते काफ़ी सुधरते हुए हमें दिखते हैं, तो ना तो आपको डरने की ज़रूरत है ना तो इनको भी। एंड अगर आपको कम्युनिकेशन करना है बिंदास होकर कम्युनिकेशन कर सकते हो, रिजल्ट काफ़ी सही मिलने वाले हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, सही कम्युनिकेशन होगा, जो भी नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी दूर चली गई है, तो आप 10, 11, 12 बजे तक का वेट भी कर सकते हो जिसको करना है, एंड जिसको नहीं करना है वो आई थिंक 8 बजे के बाद भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है एज पर द मूड्स। यू नो हमें पता लगता है उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देख के, या फिर फेसबुक पोस्ट, यू नो लाइक वाइज कि भाई क्या मूड है, स्टेटस क्या डाला है, तो क्या होगा उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सेकंड देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड। चलो ये पहला कार्ड आ गया, एडवेंचर अवेट्स, दूसरा कार्ड आ गया यू हैव इनफ, ठीक है, और हम दो कार्ड चुनते हैं, एक कार्ड आ गया था लेकिन बीच में ही चला गया, चलो ये आ गया तीसरा एंड ये आ गया चौथा कार्ड। ओके सो देखते हैं क्या है, तीसरा कार्ड है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फोर्थ जो कार्ड है हीलिंग नीड्स टू बी डन। अगर हमें चारों कार्ड्स देखते हैं तो देखो शुरुआत होती है एडवेंचर अवेयर्स, मतलब ये पर्सन जो एक्चुअली जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता है, जैसे कि शुरुआत है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड
व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चाहता है कि मेरे जिंदगी में बहुत कुछ हैपनिंग चीज़ें हो जाएं। तो अगर इन्होंने आपके साथ मिलकर कहीं पे प्लान आउट किया है, शायद वो प्लान वीकेंड का हो, सैटरडे संडे, या फिर सिर्फ आज का हो, उसके हिसाब से ये पर्सन बिहेव करना चाहता है। सेकेंड जो कार्ड है भाई यू हैव इनफ, मतलब कि कहीं ना कहीं पे जो ये कार्ड है ना कि द टावर आ गया, वहाँ से कनेक्टेड कि अगर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा वेट किया है किसी पर्सन के लिए जिसने इनको बहुत थका दिया है, कहा था कि पैसे दे देंगे, अब तक नहीं दिए हैं, तो ये पर्सन अब यू नो उतावला हो गया है, इसमें पेशेंस खत्म होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम ये कार्ड इमोशनली लेते हैं ट्विन फ्लेम के लिए, तो अगर कोई इनका फॉल्स ट्विन फ्लेम है जिसके साथ इनका रिश्ता था और ये पर्सन अभी इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा या फिर रूडली बातें कर रहा है, तो ये पर्सन उस पर्सन से नाता तोड़ भी सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। इस पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इमोशनल स्टेबिलिटी, जो हमने कहा प्रैक्टिकल वे में टू ऑफ पेंटेकल्स का जो कार्ड है, जहाँ पे हम देखते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए कि ये पर्सन हाथ में दो पेंटेकल्स उठाए हुए हैं, बिल्कुल वही कि इस पर्सन को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, कोई भी तकलीफ इसे नहीं चाहिए। जो फोर्थ कार्ड है वो हीलिंग नीड्स टू बी डन, मतलब इस पर्सन को भी शांति चाहिए, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला पोस्ट रोमांस कि अभी ज़िंदगी में कोई भी बवाल नहीं चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। और अब देखते हैं फाइनली फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह कार्ड आ गए, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। रिकंसिलिएशन, रोमांटिक फीमेल, रियूनियंस, सेलिब्रेशन, बोर्डम एंड डिजायर, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू बहुत से कार्ड्स आ गए हैं, ओके। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इस फेरी टेल ओरेकल में काफ़ी रिप्रेजेंट होता है, एंड जो लास्ट वाला कार्ड है डिज़ायर, इसमें द स्टार कार्ड रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं रिकन्सिलिएशन से। तो यहाँ पे अगर आपको इनसे बातचीत करनी है कि पहले रूड बोलते थे, अभी ठीक है देखते हैं कैसे बात करते, तो डेफिनेटली पर्सन जो है वो धीरे धीरे लाइन पे आ ज़रूर रहा है। यहाँ पे आई थिंक जो उनका वेट चल रहा है वो है रोमांटिक फीमेल, फोर ऑफ सॉर्ड्स हमने देखा कि चाहते हैं कि रोमांस हो जाए या फिर मन में जो उदासीनता है वो चली जाए, मन को क्लीन करना चाहते हैं, मन को तकलीफ नहीं देना चाहते, स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। चलो इस कार्ड में रीयूनियंस, तो रीयूनियन चाहते हैं, ओके। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, जो आपका पहला प्लान था कहीं पे मिलने का वो फ्लॉप हो गया है, तो दोबारा से अगर आप वो प्लान यू नो क्रिएट करते हैं, तो ये आपके लिए एक रीयूनियन भी साबित हो सकती है। एंड अगर आप उसमें से हो कि जो पर्सन चाहता है कि मैं दोबारा कनेक्ट करूँ मेरे पर्सन को, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है, बेशक आप अगर ट्विन फ्लेम फॉल्स नहीं हो तो, ठीक है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो और अगर आप में सेपरेशन हुआ भी है तो ये इजिली हो सकता है। नेचर कार्ड है सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन भी उतना ही उतावला है जितना कि आप, कि पर्सन चाहता है कि हम दोनों मिलकर सेलिब्रेशन करें, कमिटमेंट आ जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। हालांकि उसके बाद जो आता है वो है बोर्डम, ओके। एंड बोर्डम इसलिए आ सकता है कि अगर चीज़ें एक बार सेटल हो जाए, व्हील ऑफ फॉर्चून इनको सही दिशा दे जाए, तो इनको पूरा दिन जो है वो बहुत ही यू नो सिंपल सा लग सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं होता तो रीडिंग कैसी होती, यू नो, तो आपको समझ में आ जाता। एंड जो फाइनल कार्ड वो है डिज़ायर, तो इनकी डिज़ायर क्या है, वो शायद देर रात तक हो सकती है, लाइक मुझे इनको ले जाना है कहीं पे रेस्टोरेंट में, यू नो, या फिर कि भाई आपके कुछ प्लान्स हैं, आपको कहीं पर आउटडोर जाना है, यू नो, आप दोनों में भी ट्रेन टिकट्स बुक किए हैं, या फिर आप यू नो दोनों चाहता है कि जल्द से जल्द रीयूनियन करें, जल्द से जल्द एंगेजमेंट करें, शादी के लिए तैयारी करें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। या फिर फ्यूचर प्लानिंग भी दिखती है, आफ्टर 6 मंथ्स आपको क्या करना है, अपना खुद का घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आप कपल भी हो तो भी मैच होता है, अगर आप मैरिड हो तो भी मैच होता है, अगर आप सिंगल भी हो एंड चाह रहे हैं कि भाई समबडी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी, आपको हिंट्स मिल रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ को आगे नहीं ले जा रहे हो, तो भी एक कार्ड आपको रिजोनेट कर सकता है। ये था रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट, सी यू नेक्स्ट।